Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी मैं ठीक हूँ। जी ये छोटी का सोनिया का बुआ आया हुआ है, कह रहा है कि बच्ची का छुट्टी लेके जाना है, रब से छोड़ो। कौन बात कर रहे हैं जी? शाजिया बात कर रहा है जी। जी बोले। वो जब से ये सोनिया आई है तब से छुट्टी नहीं गई, अब मजीद को छुट्टी दे दें। उसके घर वाले आए हुए हैं मेरी तरफ कि बच्ची को छुट्टी ले। नहीं जी, मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और बहुत बुरा किया। मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती। आपने जहाँ पर आया आप खुद इसको डील करें और मुझे बराए मेहरबानी फोन ना करें। चलो ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ फिर वो मैं करूँगी। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। बाजी मेरे बड़े आराम से सुकून से बात सुने। मैं क्या जब मैं आराम से फोन से बात करना चाह रही थी, मेरी बात सुने। जब मैं आराम से फोन से बात करना चाह रही थी उस वक्त आप लोगों ने बदमाशी ना की थी? क्या बाजी किया था? मैं आपकी बात हुई थी मेरे साथ सोबिया के सैलून पे। हाँ जी। कि आप मुझे लड़कियाँ देंगी। हाँ जी। और उसके बाद से आप भाग गई और आपने अपनी बेटियों को कह दिया कि इसको कह दो कि ये दफा हो जाए और मैं इसको कोई लड़कियां नहीं दूंगी और मैं इसको अब बताऊंगी। ये बिना बेटियां बाजी फोन ही नहीं उठाती मेरा पहले नंबर से। तुम्हारी बेटियों ने ही फोन उठाया था, मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे फॉरवर्ड कर। तुम्हारी बेटियों ने फोन उठाया था और उन्होंने मुझे कहा कि माँ हमारी कभी बीमार है, कभी सब्जी लेने गई है, माँ कह रही है कि इनको कह दें कि दफा हो जाए, मैं लड़कियां नहीं दूंगी। तुम्हारी मेरी जब आराम से बात हो गई थी सोबिया के पास बैठ के, तुम्हें मुझे एक लड़की दे देनी चाहिए थी ताकि मैं छुट्टी पर भेजूं। ये लड़की छुट्टी पर नहीं गई, तुम्हारी वजह से नहीं गई। बाजी आपने मुझे एक मसाला, आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो आपको कोई जबरदस्ती तो जॉब पे नहीं रख सकता ना। मैं आपकी तरफ जबरदस्ती नहीं दे सकती। नहीं तो उस वक्त कहना चाहिए था सोबिया के सामने। अजी अगर बच्चियों के साथ अच्छा होता तो मैं आपको हजारों लड़के लेने। बच्चियों के साथ बिल्कुल सुलूक अच्छा था, तुम झूठ फिर बोल रही हो। नहीं बाजी, तुम लोगों ने ये मारा था, इसकी बच्ची मारते रहे उस बच्ची। मैंने अगर मारा था, ठीक है, मैंने अगर मारा था ना तो मुझसे फिर लेकर जाकर दिखाओ। तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे ना तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। बाजी मैंने फिर तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं बाजी, क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों बोल रही हो मेरे साथ कि तुमने लड़की को मारा था? मैंने बाजी उस वक्त आ रही हो मेरे साथ? बाजी आपने मारा था, मैंने निशान भी बकायदा आपको कहा था कि मेरे पास सबूत है। तो फिर सबूत दिखा देती, जाके सबूत दिखा देती क्योंकि अस्पताल में गई क्यों नहीं सबूत लेकर? बाजी अगर आप बोल रही हो मिलने देते हैं, आपको बच्ची थी 6 महीने 18 दिन बच्ची को आपके पास आए हुए 6 महीने में 1000 दफा मुझसे मिलकर गई है, झूठ मत बोलो। 2 दफा बाजी उसके वालदैन आए हैं, 2 दफा मैंने रोका है, मैंने रोका है, वो खुद आकर नहीं मिलता, मैंने रोका है। भाईजान वो कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका इनको कि जब मर्जी आगे बच्ची को मिले। झूठ बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि पास ही बाजी बैठी रहती है सेपरेट बच्ची से। क्यों सेपरेट क्या बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है सेपरेट करनी? बातचीत करनी माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप के सामने है तो बैठे माँ बाप के सामने। मैं लड़की को तो नहीं भेजूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे हो, मैं लड़की को नहीं भेजूंगी। बाजी क्यों जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते? बाजी मेरे 40,000 इस लड़की पे लगे हुए हैं, 40,000 मुझे अभी देकर जाओ। किस चीज के 40,000? जाहिर है उसको मैंने घर से शहजादियों की तरह रखा है, खाती पीती मेरे घर से वो रही है, हर किस्म के एसी वगैरह में सोती रही है वो। ठीक है, तो वो आपने खाने पीने का हिसाब 40,000 इसका लगा दिया है? मेरा 6 महीने का तो काम से तनख्वाह लेती है, तो काम से लेती है वो। तो फिर किस चीज का काम के? वो मुझसे पैसे लेकर काम के, वो मुझसे पैसे लेकर जाती है। मुझे पता पैसे लगे जो मेरे, और तुम लोगों ने झूठ बोला कि बाजी पैसे नहीं दे रही, तुम लोगों को शर्म तक नहीं आती? इसने 3 महीने हमने जो उन्हें 3 महीने से इसकी सैलरी रुकी थी, आपने 15,000 थी। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। 15 दिन उस दिन आपके पास आए हैं, 15,000 आपने दिया, इन्होंने मुझे बताया। इसके बाप को मैं रोजाना फोन करती थी कि आके ले जाओ, बाजी मैं फंसा हुआ हूँ, बाजी मुझे फलां काम है, बाजी मुझे फलां काम है। हाँ। मैं तो इस तरह से लड़की नहीं भेजूंगी, ये बात लिख लो। तुम लोग बहरिया टाउन गए हो, जाओ जिससे मर्जी लेनी है बच्ची ले लो।
ठीक है भाजी, इस तरह नहीं होगा, आपकी मेहरबानी, इस तरह भी नहीं होगा। टाउन के दफ्तर क्यों गए? मैं आप उनसे बात नहीं करते तो फिर कहाँ जाएंगे? मैं अब तुम लोगों को बताऊंगी, तुम लोगों की जरूरत कैसे है। आप इधर ही खड़े हैं, अभी तो मैं मीडिया पे गई हूँ, अभी तो बाजी में मर्जी क्या, तू हराम जाती मुझे धमकियां दे रही है। बाकी आप कह रहे हैं ना कि दफ्तर गए हो, मीडिया गए हो, कहाँ गए हो? जाना है तूने हराम जाती, जिधर जाना है ना जा, जा तू, जा तू, जिधर जाना है जा। आपकी मेहरबानी, आप काम ना बिगाड़े, आपकी मेहरबानी, आप बच्ची दे रहे हैं। नहीं, तू हराम जाती मुझे धमकियां दे रही है। मैं धमकी आपको कोई दे रही है मुझे? मैं लड़की नहीं दे रही हूँ, मेहरबानी। तू बहरिया के दफ्तर क्यों गए? तू बहरिया के दफ्तर क्यों गई? बाजी आप फोन नहीं उठा। हाँ जी बाजी जी, आप मेरे घर आ जाएं तो बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। नहीं भाईजान, मुझे सॉरी बाजी, मैंने अंदर नहीं आना, आपकी मेहरबानी, सॉरी। मैंने बाहर आके फिर बात कर लो ना, बाहर आके बात कर लो फिर गेट से। ठीक है, आप गेट पे आए, मैं वहाँ बात करती हूँ। आ जाओ।